राहुल गांधी प्रधानमंत्री चेहरे के दावेदार माने जाते हैं। राहुल गांधी बड़ी ही बेबाकी से अपने भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोलते हुए भी नजर आते हैं, जिसके चलते लोकसभा चुनाव के कुछ वक्त पहले इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस भी दिया था। लेकिन अब हाल ही में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथ में सार्वजनिक बहस करने के लिए निमंत्रण दिया गया है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मदन लोकुर और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह और एक पत्रकार एन राम ने खुला पत्र लिखकर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच बहस की बात रखी थी, ताकि दोनों विभिन्न मुद्दों पर अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रख सके। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर उसके घोषणा पत्र व कई अन्य मुद्दों को लेकर हमला बोला है, पर वे खुद राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के लिए निशाने पर हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी ने तो सहमति दे दी है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी कभी भी मेरे साथ बहस करने को तैयार नहीं होंगे। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन अब सवाल है तो ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बहस के लिए राजी होंगे या नहीं। इस बारे में कहा जा रहा है कि मोदी कभी भी राहुल गांधी के साथ सार्वजनिक बहस के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि मोदी मोनोलॉग यानी खुद ही अपनी बात कहने पर यकीन रखते हैं, डायलॉग पर नहीं। इस तरह की बहस अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में उम्मीदवारों के बीच की जाती है, पर वहां तो ये परंपरा है, पर भारत में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी।